गाइस वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल इट्स माय क्रिएशन पे। मैं आपके साथ आज शेयर करने वाली हूँ मैं कैसे एक छोटे से मिट्टी के हाथ डेकोर करूंगी और मैं कैसे करूंगी वो आपके साथ शेयर करूंगी। चलिए देखते हैं। सबसे पहले बेसिक में आप व्हाइट कलर से करें जो कि आगे जाके हमारा जो और कलर है वो बहुत सुंदर से लगे। अच्छे से बेसिक व्हाइट कलर करने के बाद हम कुछ एक दिनों के लिए इसे धूप में सुखाएंगे जिससे हमारी मूर्ति लंबे समय तक टिके। अच्छे से सूखने के बाद हम इस पे कलर अप्लाई करेंगे। सबसे पहले हम ब्लैक कलर अप्लाई करेंगे, उसके बाद आगे की कलरें। आप मूर्ति पे जितने कलर डाले उसका कम से कम 3 से 4 लेयर डाले, नहीं तो आपकी मूर्ति फीकी फीकी सी लगेगी। आगे के डेकोरेशन के लिए मैंने जो जो कलर यूज किया वो देखिए। एलिफेंट के पीठ पे जो चादर है उसको मैंने ग्रीन कलर के बॉर्डर से डेकोरेट किया है और उसके अंदर में येलो कलर डाला है। और एलिफेंट के जो सीट पे एक प्यारा सा मुकुट है उसमें मैंने येलो कलर किया और उसे रेड से डेकोरेट किया। इस एलिफेंट में के पीठ पे एक कटोरी है जो एलिफेंट में नहीं होते लेकिन ये एलिफेंट ऑन डिमांड है इसलिए मैंने इस पे डाला है। एलिफेंट के कानों को मैंने गोल्डन कलर से डेकोरेट किया और उसके ऊपर व्हाइट कलर के बिंदु डालकर डेकोरेट किया। व्हाइट कलर और ब्रश की मदद से मैंने बहुत ही केयरफुली एलिफेंट के आंख डाले। गोल्डन कलर की मदद से हम इसका बहुत ही प्यारा सा पायल बनाएंगे और इसका फाइनल लुक इस तरह है। मैंने इसमें कुछ चेंजेस किए जो चेंजेस बहुत ही इजी है जो आपको पिक्चर देख के पता चल रहे होंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो ये पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब इसलिए करना कि जब भी मैं वीडियो बनाऊँ तो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन आए। ओके, तब तक के लिए बाय बाय, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।